गाइस हर रेमेडी ट्राई करके थक चुके हैं तो बस जीरे का इस्तेमाल करिए। आपको तो पता है जीरा डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है, तो जीरे में सिर्फ एक चीज ऐड करके पीना शुरू कर दीजिए। 15 डेज में आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। जीरा क्या करता है, कैसे वेट लॉस करता है, कैसे 15 दिन में आपको आपके एकदम टारगेट पे लेकर जाएगा, जो आपका टारगेट अभी तक हर चीज आप ट्राई कर चुके थे पूरा नहीं हो रहा था, वो आपका जीरा कैसे पूरा कर सकता है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर सुनते जाइएगा। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ में ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक। तो जीरा के कैसे वेट को लॉस करेगा, चलिए जानते जाइए। जीरा आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, जो भी अगर आप खाते हैं। बहुत से लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि हम जो लोग उनसे एक्सरसाइज सीखने आते हैं उनसे बात करते हैं कि हम पूरा दिन एक रोटी खाते हैं, दो रोटी खाते हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं होता, फिर भी फैट बढ़ता ही जा रहा है। ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हम एक रोटी भी खाएंगे तो वो 4 के बराबर हमारे शरीर में लगती है, वो सीधा फैट में कन्वर्ट होती है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। तो आपने भी कई बार फील किया होगा कि आप ठीक सी डाइट भी लेते हैं, हेल्दी डाइट भी लेते हैं, लेकिन आप बहुत थका फील करते हैं क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल पाती खाने से, वो आपके इमीडिएटली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप जीरा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो जाएगी, जिससे कि आपको खाना डाइजेस्ट होगा। इतना ही नहीं, इसमें विटामिन ए होता है जो आपकी आईज को स्ट्रेंथ देता है, और साथ में इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। जिन लोगों की भी आयरन की कमी है, खून की कमी है, अगर वो जीरे वाला पानी पीते हैं या जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उससे उनके खून की कमी होना बंद हो जाती है। ये आपके जमे हुए फैट सेल को तोड़ता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, और फ्यूचर में आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होती। आपके हार्ट को ये स्ट्रेंथ देता है, आपके ब्लड वेसल्स में जो खून जमने की प्रॉब्लम हो जाती है उस ब्लड फ्लो को एकदम से तेजी से बढ़ाता है, जो दिल तक पहुंच पाती है, आपकी ब्लॉक नसें को खोलता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। इट मींस आपकी बॉडी के जितने भी वेस्ट टॉक्सिन हैं उनको सबको फ्लश आउट कर देता है यूरिन के थ्रू। इतना ही नहीं, अगर आप जीरे वाला पानी पीते हैं तो ये आपकी स्किन को भी हाइड्रेट रखता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। आपकी स्किन जो बेजान होती जा रही है, झुर्रियां आती जा रही है, स्ट्रेस की वजह से एकदम से लटक सी गई है, ढीली बेजान हो गई है, उसमें भी रौनक लेकर आता है। गाइस हम इसमें ऐड किया हमने हनी। हनी क्या करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, अगर आपके जितने भी सन टैन हो चुका है उसको भी रिड्यूस करता है, और वेट लॉस में तो बहुत ही अच्छा है। अगर जिनको डायबिटीज है वो इसमें हनी ऐड ना करें, क्योंकि नॉर्मल जीरा वाला पानी अगर आप पियेंगे तो उसका भी फ्लेवर अच्छा होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें हनी ऐड करने की। बाकी अगर आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है, थायराइड है, कोई भी प्रॉब्लम है, या डिलीवरी के बाद आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको पी सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट ना पिए, क्योंकि अगर आप बेबी को फीड कराते तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे अच्छा आप खाना खाने के 1 घंटे बाद इसको पिए। और इसका डबल इफेक्ट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन बहुत जल्दी गिरे, आपके इंचेस बहुत जल्दी लूज हो, तो इस ड्रिंक का सेवन आपको 2 बार करना है। पहला, सुबह आप नॉर्मल फ्रेश अप हो गए, उसके बाद आपको इस ड्रिंक को पी लेना है, देन उसके 1 घंटे बाद आपको कुछ खाना है। रात के खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको इस ड्रिंक को पीना है, लेकिन सुबह वाला तैयार करके नहीं रखना, फ्रेश ही हमेशा बनाना है, इस चीज का ध्यान रखेगा, तो आपके बहुत जल्दी इंचेस लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। गाइस अब जानते हैं इसको बनाना कैसे है, इस टेस्टी से ड्रिंक को, तो चलिए वीडियो देखिए। फ्रेंड्स इस रेमेडी के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच जीरा। इस जीरे को हम बॉईल करेंगे, अब 1 चम्मच ही आपको लेना है, इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी। हम उसमें डालेंगे 1 ग्लास भरा हुआ पानी, साथ में इसमें थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे पानी, 1/2 ग्लास और ऐड कर लीजिए, 1.5 ग्लास पानी हो गया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे, हमें तब तक इसको बॉईल करना है जब तक ये 1 ग्लास में कन्वर्ट ना हो जाए। उससे क्या होगा, जीरे का जितना भी इफेक्ट होगा वो पानी में आ जाएगा, और वही रेमेडी हमारा वेट लॉस में बहुत जल्दी हेल्प करेगी। फ्रेंड्स ये अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसको 1 ग्लास में छान लेंगे, लेकिन थोड़ा ठंडा होने देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, क्योंकि लुक वार्म वाटर में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तभी हम इसमें हनी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर पहले हम हनी ऐड करते हैं तो वो नुकसानदायक होता है। कभी भी आप हनी गर्म पानी में ऐड ना करें, जब वो लुक वार्म वाटर में कन्वर्ट हो जाए तब आप उसमें 1 चम्मच हनी ऐड करें। गाइस रेमेडी के टाइम आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आप हमेशा कांच के ग्लास में रेमेडी बनाएं, स्टील के ग्लास में नहीं बनाते, बिकॉज वो नुकसान करती है, क्योंकि स्टील का जो कंपाउंड होता है वो उसमें रेमेडी में मिक्स हो जाता है, तो वो चीज आपको यूज नहीं करनी। साथ में आपको लेना है स्टील वाली छन्नी, प्लास्टिक की छन्नी का इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज हम गर्म कोई भी चीज डालते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है और उसका इफेक्ट हमारे उस चीज में चला जाता है, तो हार्मफुल केमिकल्स आपके अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं, तो उस चीज से बचे। 1 ग्लास इनफ है जितनी क्वांटिटी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने छान लिया है, इसको थोड़ा सा मैं और ठंडा होने दूंगी, रूम टेम्परेचर पर होने दूंगी, बिकॉज हनी ऐड करना है जैसे आपको मैंने बताया। फ्रेंड्स अब इसमें ये लुकवार्म वाटर में कन्वर्ट हो गया है, तो इसमें हम 1 स्पून हनी ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने इसमें 1 चम्मच हनी डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
करने के बाद देखिए आपका हो गया है जादू मंत्र वाला रेमेडी रेडी, यानी मैजिकल ड्रिंक। इस मैजिकल ड्रिंक को पी के लेकिन एक दिन स्टॉप नहीं होना, पीना है आपको कम से कम लगातार 30 दिन तक, और उसके बाद आपकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे कमेंट करने आ जाना। तो चलिए मैं इसको पी के दिखाती हूँ। तो गाइज ये ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है, इसको अब हम पी लेते हैं। गाइज अगर आपको ये ड्रिंक लगा है बहुत ही टेस्टी और थोड़ा सा भी इफेक्टिव लगेगा, आप ट्राई करो तब आपको 101% इफेक्टिव लगेगा। और वीडियो निन्ना सा भी पसंद आए हो तो लाइक कर देना, अंगूठा ही तो यार चिपका देना, खुशी मिलेगी मुझे भी, मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, बहुत सारा सपोर्ट करते रहिए, और एक हेल्दी ड्रिंक से अपना वेट लॉस करिए और एक हेल्दी जिंदगी, हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड करिए गाइस। तो आपके घर में अगर जिसको भी अगर फैट प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उसको भी आप रेकमेंड कर सकते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, कहीं भी जहां भी आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं हंसी खुशी साथ, कुछ नए जोश के साथ। बाय।